एक रियलाइजेशन है जो आ गई और बचत हो गई। काफी लोगों की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी और मेरी भी उस वक्त बहुत उम्मीद थी। ये नवंबर में टूटी उम्मीद नहीं, ये आई थिंक काफी टाइम से नजर आनी शुरू हो गई कि ये जो चेंज है, ड्राफ्ट करके ये जो चेंज मैं फिर वहां आ जाऊंगा, वो तो ड्राफ्ट करके नवंबर में आप ले गई, तो नवंबर में चेंज चेंज एक बात होती है कहना और उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आंखें खुल गई, ये हमाकत नहीं की। That's all I want to say. बाकी जो लोग उसमें गए हैं और जो लोग इस वक्त आशा महमूद कुरैशी साहब की सिचुएशन आपके सामने, मैं मजीद इस पर आपको तो डिनाई कर रहे हैं कोई मेरी सिचुएशन नहीं है। चलो ठीक है, आई थिंक इमरान खान साहब एक्सेप्ट कर चुके, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रही। देखिए, अगर कोई खुश है, अपना काम कर रहा है और एम्पावरमेंट मिल रही है सही काम करने पर और एक हिमाकत से बचत हो गई है, तो फिर क्या मसला है? मारवी, तो ये पोजीशन ले लेना आपके। हाजी, ये भी ठीक था जो मैं कह रही थी, बट मैं अब एक अच्छी पार्टी में आ गई हूँ और ये पार्टी मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। ये लाजमी है कि आप कहें कि ये सब झूठ था। नहीं, ये झूठ नहीं था, ये सच था। नहीं, ये झूठ नहीं था। ये उस वक्त जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस से फिर नहीं हुई ना। वो एक्सपेक्टेशंस जो थी कि ये एक ऐसी पार्टी होगी जो चेंज लेके आएगी, जब मुझे नजर आया कि ये PMLQ2 बन रही है तो शुक्र है कि मेरी आंखें खुल गई, बात खत्म हो गई। अब अगर आप चाहते थे कि मैं वही गलती करती और मैं उस गलती पे, अगर मुझे एक चीज गलत नजर आ रही है और मैं उस पे जाती, तो मैंने कोई गोल्डन ग्लिटर नहीं लिया। अच्छा, जो हिस्ट्री, मैंने गोल्डन ग्लिटर नहीं लिया, मैंने मुश्किल काम किया है। और तनकीद पता है क्यों आ रही है? तनकीद पता है क्यों आ रही है? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी जो मेरी PTI के साथ ही वो टूट गई। काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं वहां जाऊंगी, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, तो ऑब्वियसली लोग काफी अपसेट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे का जो पाथ है उस पे मुस्बत काम नहीं हो सकता। मुस्बत काम होगा अच्छे लोगों के साथ।